फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हजरत निजामुद्दीन महबूबा इलाही का 809वां गुस्ल शरीफ मंगलवार की रात मनाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हजरत निजामुद्दीन महबूबा इलाही के आस्थाना है, जो कि दरगाह शरीफ के चेयरमैन सैयद अफसर अली निजामी ने बताया कि मंगलवार की रात 9 बजे दरगाह शरीफ में लंगर होगा और 9:30 बजे रूहानी कव्वाली होंगी, जिसके बाद बुधवार की तड़के सुबह 1:30 बजे हजरत निजामुद्दीन महबूबा इलाही को गुस्ल दिया जाएगा, 2:30 बजे प्रोग्राम होगा, उसके बाद सुबह 4 बजे चादर पोशी होगी और सुबह 5:15 बजे दुआएं होंगी। जहां आप देख सकते हैं कि हजरत निजामुद्दीन महबूबा इलाही के जो गुस्ल शरीफ है, उससे पहले आस्थाने के अंदर पूरी तरह से सजाया जा रहा है। देख सकते हैं कि रौनक यहां पर देखने को मिल रही है, जगह जगह पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं। वहीं चेयरमैन दरगाह शरीफ के सैयद अफसर अली निजामी ने कहा है कि यहां पर दूर दूर से लोग आएंगे दुआएं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। यहां देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये सजाया जा रहा है। मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन महबूबा इलाही का 809वां गुस्ल शरीफ बर्थडे मनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन और रहमत अल महबूब इलाही का 809वां आपका पैदाइश का दिन है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं गुस्ल शरीफ। और ये माशाल्लाह हम लोग कल बना रहे हैं हजरत के आसाने के अंदर। 809वां आपका पैदाइश का दिन है, 12 तारीख है और माशाल्लाह मंगल का दिन है, मंगल की रात का दिन है, जो हजरत के आस्थाने में हम बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। और इसमें जितने भी जायरीन दरगाह शरीफ के अंदर आते हैं, उन सबका पूरी तरफ से दरगाह की तरफ से पूरा इनका इंतजाम होता है माशाल्लाह लंगर का। और सबसे बड़ी बात है कि सुफियाना कवाली का पूरा इंतजाम होता है दरगाह के अंदर, रात भर कवाली होती है, हजरत के आस्थाने में रसम होती है। और जितने भी जायरीन यहाँ आते हैं हजरत के आस्थाने के अंदर, वो सब लोग यहाँ आके ब्लेसिंग भी करते हैं और माशाल्लाह यहाँ हजरत के आस्थाने में रुकते भी हैं। और यहाँ दरगाह की तरफ से माशाल्लाह दोनों तरह का खाना होता है, जिसके अंदर वेज भी होता है और नॉन वेज भी होता है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ हजरत के आस्थाने में, दुआ लें, ब्लेसिंग लें, ये मैं चाहता हूँ आप।